तेरे दिल को पता। एक शब्द है, मंजूर है कौन? सोच लो। हाँ हाँ सोच ले, हुक्म करो। क्या तो हारिस अपनी अम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लो। और हंसी खुशी जिंदगी गुजार। फिर जब तुम अपनी बीवी के साथ आओगे ना मेरे घर, मेरे पास मुझसे मिलने के लिए, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। ठीक है? मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर मगर कुछ नहीं, अगर तुम मेरी इस बात पे अमल कर सकते हो तो ठीक है, वरना आज के बाद अपनी शक्ल मेरे सामने मत लेकर आना। अगर मेरी बात मानोगे तो हो सकता है कि हमारा ताल्लुक कायम रहे और शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। अब तुम जा सकते। एक बार सोचो। सोच चुकी। मैंने कहा तुम जा सकते। ठीक है, तुम देख। आखिर ऐसी क्या जरूरी मेल्स थी कि उसे घर जाना पड़ा? ये काम तो वो अपने फोन से भी कर सकती थी। मैमा मुझे हॉस्पिटल जाना है, नाश्ता लगवा दो। किन सोचों में घूमो यार? मैं नहीं, वो अनुषा से बात। हर वक्त अनुषा के बारे में सोचती रहती है। यूसरा हॉस्पिटल में एडमिट, उसके बारे में भी सोच लो। हाँ तो उसकी भी मुझे उतनी ही फिक्र है। वो मैं तो कल रात को आपको कह रही थी मुझे साथ ले जाएं, आप लेके नहीं गए। फायदा कोई नहीं था ना, इंटेंसिव केयर में है तो वहां जाकर क्या करते है? अभी चलूं आपके साथ? अभी जाने के इसलिए फायदा नहीं है कि आई होप सो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह रात तक वो वैसे उसको डिस्चार्ज कर देंगे। बस जब वो खा रहा है तो उसकी केयर कर लेना। डॉक्टर्स कह रहे थे कि इस ट्रॉमा के बाद नजर थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह उसका ख्याल रखूंगी। और सुनिए, आप उससे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा, पहले ही बहुत डिस्टर्ब है।
मैं नकारती हूँ। नसरीन बेटा नाश्ता लगाओ टेबल पर। चलो मेरे बेटे। अरे मेरी बेबी आ गई। मेरी बच्ची। फारूक मुझे बताया तो होता कम से कम मैं भी चलती तुम्हारे साथ अपनी बेबी को लेने के लिए। वापस ही तो लेकर आना था, मैं और रमजान की ओर ले। पता नहीं किसकी गंदी नजर और बद्दुआ लग गई है मेरी बच्ची को। ना किसी की नजर लगी और ना ही कोई बद्दुआ है। बस अपनी गलतियों का नतीजा है जो भुगत रहे। दूसरा बेटा तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं सूप भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारा ख्याल रखना। मैं तुम्हें इस तरह कमरे में बंद नहीं देखना चाहती हूँ। तुम इस कमरे से निकलो, बल्कि मैं तुम्हें घूमने के लिए लेके जाऊंगी और तुम देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं तुम्हारे साथ। बाबा मैंने अगले महीने तक की सारी ऑर्डर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट करनी है। अगर आपको कोई भी टेंशन हो, कोई भी चीज़ जाननी हो तो अरशद और फराज हैं ऑफिस में, वो आपको गाइड कर देंगे। साउंड्स गुड, लेकिन लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे? वो मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा? अमेरिका जा। अगले महीने की रिजर्वेशन है। अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन शो अचानक। अचानक थोड़ी बात, एक महीना अभी जाने में आए, अचानक कैसे हो सकता है? ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। जॉब तो हमें करनी नहीं थी, बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड है, और तुम्हारा अपना इंटरेस्ट था, तो फिर ऐसा अचानक क्या हुआ? मैं इंटेंशन से दूर जाना चाहता हूँ बाप। ठीक है, तो कितने दिनों के लिए जाना चाह रहे? कुछ कह नहीं सकता। शायद अगर वहां कोई अच्छी जॉब मिल गई मेरी मर्जी की तो वहीं सेटल हो जाऊं। मतलब तुम ना घर ना सब कुछ छोड़कर जा रहे हो हमेशा के लिए? सही समझ। किस चीज की कमी है बेटा? आप भी समझेंगे। बाप हूं तुम्हारा, कैसे नहीं समझूंगा? सब समझ में आ रहा है मुझे।
पहले तुम खुद वहां जाकर सेटल हो गए और उसके बाद उसे बुलाओगे जिसकी वजह से तुम हम सबको छोड़कर जा रहे। बस कर दे बाबा, बस कर दे यार, हर चीज का इल्जाम उस पर दे रहे, कितना नफरत करेंगे आप उससे। जिसको पहचानने की जरूरत है उसको तो पहचान नहीं पाया, और लगे में इसको हर वक्त गलत साबित करने के लिए। अगर मुझे शादी करनी होती ना तो मैं यही कर लेता उससे, लेकिन वो जिसकी कोई वक्त नहीं है ना आपकी नजरों में, पता है क्या कहती है मुझे, कि वो मुझसे नहीं शादी करेगी जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी, आपकी खुशी नहीं होगी। आप उससे नफरत करते हैं। इसलिए मैं आपको और उसको और सबको छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे तो इस बात की हैरत है कि उस आदमी ने तुमसे ज्यादा पैसों को इंपॉर्टेंस दी। उसने ऐसा क्यों किया आंटी? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था। उसकी बातों से तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगा कि वो तुम्हारे लिए दुनिया को छोड़ सकता है। और उसने दुनिया के लिए मुझे छोड़ दिया। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। कितनी पागल थी मैं, कितनी बेवकूफ। अपने बाबा से लड़ाई की, उनकी एक नहीं मानी, उन्हें नाराज किया और उसने मुझसे झूठ बोला। उसको मुझसे कभी मोहब्बत थी नहीं आंटी, वो सब एक दिखावा था। हाँ, उसने मुझे इस्तेमाल किया। सिर्फ बाबा की दौलत हासिल करने के लिए उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। मैं तो बार बार कहता रहता था कि प्रॉपर्टी की बात करो, अपने हिस्से की बात करो अपने बाबा से। ठीक कह रही हो तुम, उसकी नीयत में ही फितूर था। आंटी आप तो उसे जानती थी ना? आपको नहीं पता था कि वो मैरिड है, उसके बच्चे भी हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मुझे पहले पता होता कि वो ऑलरेडी मैरिड है तो
मैं अपनी प्रिंसेस की शादी उससे कैसे करवा सकती थी? ये भी तो उसी का बच्चा था ना आंटी, जिसके इस दुनिया में आने से पहले वो उसे छोड़ के चला गया। तुम टेंशन मत लो युसरा, जब उस आदमी से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो फिर उसका बच्चा पाल के क्या करते? बच्चा वैसे भी तुम्हारे पैरों की जंजीर बनता। देखो मेरी जान, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम्हें किस चीज की कमी है? अरे तुम्हें तो एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझे अब किसी से दोस्ती नहीं करनी आती। ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं, झूठे, फ्लर्ट। फरहाद भी ऐसा था, और नदीम भी। नहीं उसरा, सब एक जैसे नहीं होते हैं। और फिर तुम अपनी खुशियां किसी के लिए क्यों बर्बाद करोगी? अगर वो अपनी बीवी बच्चों में खुश है तो तुम्हें भी खुश रहने का हक है ना। और मेरी बात सुन युसरा, वो कोई डिजर्विंग आदमी नहीं था जिसके पीछे हम दुख मनाएं। जब किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना आंटी, कोई ताल्लुक नहीं रखना। युसरा मेरी बात तो सुनो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा, मैं जानता हूँ कि तुम ऑफिस में और बिजी होगी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सिर्फ एक मिनट की। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सॉरी, अभी मुमकिन नहीं है। प्लीज अनुषा, आखिरी बार, ये मेरा वादा है तुमसे, फिर कभी नहीं कहूँगा तुमसे। तुम क्यों बाप बेटे को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाह रही हो? मगर क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, तुमसे कुछ बात करनी, प्लीज। वो तो फोन पर भी हो सकती है ना हमदान? नहीं हो सकती अनुषा, और प्लीज मेरी खुशी के लिए तुम मुझसे नहीं एक दफा मिल सकती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं तुमसे कहूंगा, अपनी सूरत तक नहीं दिखाऊंगा तुम्हें कभी। ठीक है, कल लंच पर मिलते हैं, मगर ये आखिरी बार। थैंक यू। रोहित तो मुझे बेबी के पास भी नहीं जाने देती। ना दूर कर दिया उसने मुझे रेहान से। हनीशा, मैं रेहान की नहीं, उस नए मेहमान की बात कर रही हूँ जो इस दुनिया में आने वाला है। अरे यार, थैंक यू सो वेरी मच, तुमने मुझे ये बहू ढूंढने के झंझट से बचा लिया। कौन है वो? अनुषा, आंटी की नीस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया?
उस खुद सर और मुंह फट लड़की से तुम शादी करोगे? सॉरी हमदान, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत कभी भी नहीं दूंगा। पापा, वो बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की है, ऐसा ही लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए था इसमें। वो बोल्ड और कॉन्फिडेंट नहीं है, वो एक बदतमीज बदलिहाज लड़की है। बात को किसी और सिम्त में लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। गलत सिम्त पर तुम चल रहे हो। मैं इजाज की मुरव्वत में और घर के सुकून की खातिर उस लड़की से हंस के बात कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उस लड़की को इस घर की बहू बनाऊंगा। मैं उसकी वो बात अभी तक भूला नहीं हूं। प्लीज, मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे वो सख्त नापसंद है। वो जिसकी कोई मुकद नहीं है ना आपकी नजरों में, पता है मुझे क्या कहती है? वो मुझसे नहीं शादी करेगी जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी, आपकी खुशी नहीं। आप उससे नफरत करते हैं। इसलिए मैं आपको और उसको और सबको छोड़ के जा रहा हूं। खातिर हमदान मुझे छोड़कर चला जाएगा। फारूक, क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो। कुछ ठीक नहीं होने वाला। एक इंसान के जाने से जिंदगी रुक थोड़ी जाती है। और अभी उसरा की उम्र ही क्या है, थोड़े दिन में भूल जाएगी। जिंदगी की तरफ लौट आएगी और फिर देखिएगा, हम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देंगे। हम सिर्फ यसरा के नहीं है, हम दानवी तो। हमदान को क्या हुआ? और आप चुप क्यों हो गए? नहीं, मैं हमदान के लिए फिक्रमंद हो रहा था। सोचा था कि यसरा अपनी जिंदगी में सेटल हो गई है, आप हमदान के बारे में सोचोगे। अब हमदान की फिक्र कर रहा था कि वो तो कम से कम अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। सब कुछ अपने वक्त पे हो ही जाएगा फारूक। पता नहीं नदीम कब यसरा को तलाक देगा। या वो यूं ही उसके इंतजार में बैठी रहेगी। क्यों इंतजार में बैठी रहेगी? अदालतें हैं ना। कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए फारूक, ये तो करना पड़ेगा।
मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा सा लॉयर हायर करते हैं ताकि वो काम जल्दी और आसानी से करवा दे। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैं कल मिलता हूँ किसी वकील से, बात करता हूँ उससे। लेकिन उससे पहले प्लीज युसरा से पूछ लीजिएगा कि वो क्या चाहती है। वो क्या चाहेगी? रात के अंधेरे में एक शख्स अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर भाग गया है। पर ऐसे शख्स से ताल्लुक रखना हमाकत है और ये हमाकत में उसे दोबारा करने नहीं देता। चला जाऊंगा, सिर्फ एक बात बता दो, क्या हुआ तुम्हें, क्यों परेशान है? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? हाँ क्या ताल्लुक है तुम्हारा और मेरा? जानता हूं कोई ताल्लुक नहीं है और कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर तुम खुश रहो अनुषा, मैं तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं छोड़ सकता। क्या रोता हुआ नहीं छोड़ सकते? मेरी जिंदगी बर्बाद करके, इन आंखों में हमेशा के लिए आंसू देख के तुम मुझे ये कह रहे हो आज कि तुम मुझे रोता हुआ नहीं छोड़ सकते हो? खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ नफरत नहीं करती हूं हारिस, चुनौती है मुझे तुमसे। एक बात कान खोल के सुनो, तुम सिर्फ मेरे दिल से नहीं गिरे, मेरी नजरों से भी गिर गए। मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुम वो शख्स हो जिसकी वजह से मेरे बाबा की जान गई। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ, हाँ, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बोलो क्या? सोच लो। हाँ हाँ सोच ले, हुक्म करो। क्या? तो हारिस अपनी अम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लो और हंसी खुशी जिंदगी गुजार। फिर जब तुम अपनी बीवी के साथ आओगे ना मेरे घर मेरे पास मुझसे मिलने के लिए, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। ठीक है? मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर मगर कुछ नहीं, अगर तुम मेरी इस बात पे अमल कर सकते हो तो ठीक है, वरना आज के बाद अपनी शक्ल मेरे सामने मत लेकर आना। अगर मेरी बात मानोगे तो हो सकता है कि हमारा ताल्लुक कायम रहे और शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। अब तुम जा सकते हो। प्लीज एक बार सोच लो। सोच।
इतनी सख्त शराय, मैं कैसे मान लूं तुम्हारी ये बात अनुषा? लेकिन तुम्हारी नफरत भी तो नहीं सह सकता। तुम्हारी खुशी के लिए मैं जहर का ये घूंट भी पी लूंगा। बस तुम खुश रहो, मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं याद भी करेंगे, नहीं याद ये भी रहता, मेरे साथ रह रहा है तेरा गम ना कुछ है कहता। वो जो नदीम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चली है। कैसी इंफॉर्मेशन? यही कि वो पहले से शादीशुदा है, बल्कि उसकी दो शादियां हुई। आर यू सीरियस? व्हाट रबिश! आप तो शुरू से ही नहीं चाहते थे ये शादी, हमेशा से मुखालफत ही की आपने नदीम की। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम खुश हो? तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वो तुम्हें खुशी नहीं देगा, सिर्फ फरेब देगा। बाबा ये नासिर है, ये कल मुझे मिला था, इसने सब कुछ मुझे बता दिया है नदीम के बारे में। बताओ इन्हें जो कल तुमने मुझे बताया। मैं आपसे मिला जरूर था कल, लेकिन मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी के बारे में भी कोई गलत बात करूं। क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे कल जो कुछ बताया नदीम के बारे में, वो इन्हें बताओ ना, क्यों ऐसा कर रहे हो? कल जब हम मिले तुमने मुझे उसके बारे में बताया कि वो शादीशुदा है और मुझे अपनी बहन की उससे शादी नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ तुमने मुझे बताया ना, बताओ इन्हें। नदीम के बारे में मैं क्यों बोलूंगा, वो तो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को फ्रॉड कैसे करेगा। मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। आशी, ये झूठ बोल रहा है? मेरी एक पेमेंट डिले हो गई है, अगर वो आ जाती तो मैं अपार्टमेंट के पैसे देता और पोजीशन ले लेता। तो वो पेमेंट मुझसे ले लो यार। अरे नहीं अंकल, मैं आपसे नहीं ले सकता। अरे क्यों भाई, मैं कोई गैर थोड़ी। स्टिल लेकिन अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ तो सही, कितनी अमाउंट? पचास लाख रुपए। ये चेक कल अपने अकाउंट में जमा करवा लेना, मैंने अपने बैंक में इन्फॉर्म कर दिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पैसे, आपकी ज्वेलरी, वो सब कुछ फिक्र निकल गया, वो हमारे हाथ नहीं आएगा। भाई ऐसा ना कहें। बाबा हो सकता है कि नदीम किसी मुसीबत में हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जुसरा प्लीज प्लीज स्टॉप डिफेंडिंग हिम यार। तुम्हारी नजरों के सामने सब कुछ जो उसने किया है, उसके बावजूद भी तुम उसे डिफेंड कर रही हो। अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि जब मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा था तो तुम समझते थे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? युसरा के बारे में कुछ सोचा आपने?
सोच लूंगा। जारी सी बात है, मुझे तो सोचना। तुम तो जा रहे हो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर। बाबा जिस मामले में मुझे बोलने तक की इजाजत नहीं है, मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूं उसकी? तुम मुझे अब इस बात की सजा देना चाहते हो? नहीं बाबा, हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उसके बड़ा भाई होने की हैसियत से जब मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, कोई फैसला नहीं मैं ले सकता, कुछ कह नहीं सकता मैं, तो मैं कैसे जिम्मेदारी लूं? मान लिया कि मेरी गलती, मेरे गलत फैसले की वजह से युसरा की जिंदगी तबाह हो गई। मान लिया मैंने। इतनी सी उम्र में उसने पैदर पर कितने सदमात देखे हैं। तो क्या बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारा इतना फर्ज है कि तुम उसकी दिलजोई कर? लेकिन नहीं, तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी पर हैं तुम्हारे अपने मामलात, अपने मसाइल, जिनके अलावा तुम कुछ और देखना ही नहीं चाहते। तेरे दिल।